प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, सीपीएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्वालिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सीपीएम और क्वालिटी की यहाँ पर हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसकी हम थ्योरी डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। तो सबसे पहले बात करें अगर हम प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट क्या है। तो फोर्थ ईयर में हो, एक प्रोजेक्ट बना रहे, वो एक प्रोजेक्ट है कि किसी भी इनिशियल स्टेट से उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाना। और फाइनल रिजल्ट तक हम कब पहुंचेंगे, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे। किसी एक एक्टिविटी से हम कंप्लीट नहीं कर रहे, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी, और जिसके लिए आप अलग अलग गैंट चार्ट बना के या प्रोसेस चार्ट बना के दिखाते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर टाइम पर ये किया, इस पर्टिकुलर टाइम पर ये किया, इस टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच मस्ट बी एग्जीक्यूट इन ए सर्टेन ऑर्डर बिफोर द एंटायर टास्क इज कंप्लीटेड। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में इंटर रिलेटेड एक्टिविटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हो गया प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में तीन चीज़ें होती हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। कैसे हमने प्लान किया, कैसे फिर हमने शेड्यूल किया और कैसे उसे कंट्रोल किया। तो इसकी थ्योरी में मैं ज़्यादा जा नहीं रहा। तीन फेज हैं इसके, प्लानिंग, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे वहाँ से पढ़ लेना। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, शेड्यूल बनाना किस पाथ के थ्रू जाना है, क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी कम करनी है, और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। उसके बाद बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। नेटवर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क क्या है कि फर्स्ट एक्टिविटी से, पहली एक्टिविटी से आखिरी एक्टिविटी तक हम कैसे कैसे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उनका जो लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। उन एक्टिविटी का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जैसे एक एक्टिविटी ये हो गई फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड करनी है, एरो ये दिखाता है कौन सी एक्टिविटी से कौन सी करनी है, सेकंड टू थर्ड। तो ये हमारा जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा नेटवर्क है, इसे हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। या हम जो ये एरो लगा रहे हैं, एरो भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए इसे एरो डायग्राम ही बोलते हैं। अब इसमें आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी वन से टू, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम जा रहे हैं, जो बीच में टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, और इस टास्क में जो टाइम लगता है, ये टास्क हमारा होता है एक्टिविटी। जैसे हम किसी प्रोसेस की बात करें, हम इनिशियल में था आपके पास रॉ मटेरियल, फिर आपने उसकी फेसिंग कर दी, तो ये जो फेसिंग हो रही है ये हमारी एक्टिविटी है। और फर्स्ट पॉइंट पर जो था यहाँ था रॉ मटेरियल, और सेकंड पॉइंट पर था जो वो ऐसा मटेरियल था जिसकी फेसिंग हो चुकी है। जो दो पॉइंट के बीच में टास्क कंप्लीट होता है उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। और ये जो दोनों पॉइंट होते हैं वन और टू, इन्हें हम बोलते हैं इवेंट। ये क्या होंगे हमारे इवेंट, इवेंट या नॉट भी बोल देते हैं, इवेंट या नॉट। एक्टिविटी कोई एक टास्क है जिसमें कोई कार्य हो रहा है, जिसमें कोई वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो हमारा एक्टिविटी। और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं वो हमारे होते हैं इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट वन, एंड इवेंट टू, ये हमारे इवेंट होगा, इन्हें नॉट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम बनाया, इनिशियल पॉइंट आई और फाइनल पॉइंट जे, आई से जे तक जाने में जो बीच में टास्क हुआ वो हमारी हो गई एक्टिविटी, और जे है जो हमारा पहला, इसे बोलते हैं टेल इवेंट। इसके लिए टेल है, जहाँ हैरो लगा हुआ है इसे बोलते हैं हेड इवेंट, या नॉड भी बोलते हैं और इवेंट भी बोलते हैं। स्टार्ट इवेंट, एंड इवेंट, टेल इवेंट, हेड इवेंट, इनके नाम होते हैं।
नेक्स्ट आता है मर्ज इवेंट। नाम से पता चल रहा है मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है? एक साथ कंबाइंड कर देना, वो होता है हमारा मर्ज। जैसे यहाँ ये दिखाया है, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी। क्योंकि ये लाइन क्या है? एक्टिविटी को बता रही है। और ये क्या है हमारा? ये नोड है या ये इवेंट है। ये तीनों एक्टिविटी एक सिंगल नोड पर आके मिल गई, इसका मतलब ये मर्ज हो गई। दूसरा है हमारा बर्स्ट इवेंट। बर्स्ट का मतलब होता है कि एक ही नोड से मल्टीपल एक्टिविटी निकलना। ये एक नोड है, इससे हमारे पास 1 2 3 तीन एक्टिविटी निकल के जा रही है, तो ये हमारा हो गया बर्स्ट इवेंट। उसके बाद आता है प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग एंड कंकरेंट एक्टिविटी। प्रीसीडिंग अगर मैं बात करता हूँ, ये वन टू थ्री एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी, तो यहाँ हम प्रीसीडिंग की अगर बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से पहले कंप्लीट हो गई हो। जैसे एक्टिविटी ए, यहाँ पर एक्टिविटी ए बी के लिए प्रीसीडिंग है क्योंकि बी से कंप्लीट हो गई पहले हुई। आपकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए प्रीसीडिंग है, किसी एक टास्क को कंप्लीट होके दूसरे में पहुंचते हैं जो हम, तो पहला वाला जो टास्क होता है वो हमारा प्रीसीडिंग होता है। आपके लिए आपका थर्ड ईयर प्रीसीडिंग है। और अगर हम सक्सीडिंग की बात करें, जब आप थर्ड ईयर में थे तो आपको फोर्थ ईयर में जाना था थर्ड ईयर के बाद, तो आपका जो फोर्थ ईयर था वो सक्सीडिंग था। मीन्स किसी भी एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं सक्सीडिंग एक्टिविटी। तीसरी होती है कंकरेंट एक्टिविटी। जब दो एक्टिविटी पैरेलल में होती हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, ए और बी, ये कंकरेंट है। अगर पहले वाले से देखें, एक्टिविटी ए बी की प्रिसीडिंग है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्टिविटी बी ए की सक्सीडिंग है, और सेकंड वाले में एक्टिविटी ए और बी कंकरेंट एक्टिविटीज है। एक होती है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी कोई एग्जिस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ हम एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी ले लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी एक्टिविटी ले लेते हैं कोई भी। इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही इसमें कोई टाइम कंज्यूम हो रहा है, ना ही इसमें कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है। बस हम क्या करते हैं कि किसी भी इवेंट को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए इस एक्टिविटी का यूज करते हैं। जैसे एक इवेंट ये, एक इवेंट ये, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मुझे कनेक्शन इनमें बनाना होगा, तो मैं एक डमी एक्टिविटी यूज कर दूंगा, और डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ के साथ उसका नाम देंगे, वो देंगे डी, डी फॉर डमी। और इसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो टाइम होगा जीरो, इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा। सो ये हमारी होगी डमी एक्टिविटी। उसके बाद आता है लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। मींस ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से फिर पहले पे आ जाए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे यहाँ दिखाया गया है एक्टिविटी सी डी बी, फिर से सी डी बी, तो ये क्या है, यहाँ लूपिंग चल रही है। ये एक्टिविटी कभी भी एंड नहीं होंगी, ये लूपिंग चलती ही रहेगी। इन एक्टिविटी बी सी डी में क्या चल रही है, यहाँ पर लूपिंग। सो ये हमारी लूपिंग हो गई। उसके बाद है डैंगलिंग, टू डिसकनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क डायग्राम। जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है ए, और इधर दिखाया गया है डी। ए और डी दो दिखाए गए, तो किसी भी एक्टिविटी से पहले अगर कोई नोड ना हो, टू डिसकनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज,
सभी एक्टिविटी हमारी जब कंप्लीट हो जाएंगी, उस नेटवर्क डायग्राम में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई एंड नोड या स्टार्टिंग नोड ना हो, उसे हम बोलेंगे डैंगलिंग। जिसका कोई स्टार्टिंग नोड ना हो, इसका कोई नोड नहीं है, ये हमारी ब्लैंक छूट जाए, इसका कोई एंड नोड नहीं है, क्योंकि कभी भी एंड नोड एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड नोड हमेशा एक होगा, एक ही जगह एंड हो सकता है, एक से ज़्यादा जगह एंड नहीं हो सकता है। इसके बाद अब नेटवर्क डायग्राम बनाने के क्या रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क के कंस्ट्रक्शन के क्या रूल्स हैं, कैसे हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। वैसे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, वहाँ एकदम क्लियर होगा, बट यहाँ थ्योरी में भी देख लेते हैं कि नो इवेंट कैन अकर्स अंटिल एवरी एक्टिविटी प्रोसीडिंग इट हैज बीन कंप्लीटेड। जब तक पहली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक हम कोई नेक्स्ट इवेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। हर एक्टिविटी को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट आएगा। एन इवेंट कैन नॉट अकर्स ट्वाइस, इसका मतलब है कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने ऊपर दिखाया था बी सी डी रिपीट हो रहे थे, तो कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हो जो रिपीट हो रहा हो। रिपीट होने का मतलब है दो बार नहीं आना चाहिए कोई भी, तो वहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो, कोई भी क्लोज लूप ना बने। एन एक्टिविटी सक्सीडिंग एन इवेंट कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल द इवेंट हैड अकर्स, जब तक एक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, सक्सीडिंग एक्टिविटी उसके बाद ही स्टार्ट होगी। एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट होंगे, और एरो को कभी हम ऐसे, एक एरो इधर गया दूसरा हम ऐसे निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, मीन्स क्रॉस नहीं करेंगे, और कभी कोशिश ये भी नहीं करेंगे एरो की डायरेक्शन ये रहे, हमेशा ये ऐसे रहे लेफ्ट टू राइट, या ऐसे रहे या ऐसे रहे, मतलब राइट की तरफ हल्का सा टर्न्ड हो इसमें। और जो डमी एक्टिविटीज होती हैं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, हम सिर्फ तभी डमी एक्टिविटी यूज करें, अदरवाइज कोई डमी एक्टिविटी यूज नहीं करनी। और हमेशा नेटवर्क का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, एक एंटी एंटी पॉइंट होना चाहिए और एक ही हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए। मीन्स नेटवर्क डायग्राम एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक ही पॉइंट पर एंड होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट हो रहे हैं, तो हमने नेटवर्क डायग्राम को गलत बनाया हुआ है। नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करने के लिए जो रूल है, वो उस रूल का नाम है फलकर्सन रूल। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मैं यहाँ एक बना लेता हूँ, जैसे ये कोई नेटवर्क डायग्राम है भाई, चलो ये मैंने कोई रफली नेटवर्क डायग्राम बनाया है। नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इस यहाँ से पहले, इससे पहले कोई भी आता हुआ एरो नहीं है, जब कोई भी आता हुआ एरो नहीं है, तो यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी 1। अब जहाँ मैंने नंबरिंग कर दी की हुई है, उसके बाद जो भी एरो निकल रहा है, उस एरो को मैं डिलीट कर दूंगा। इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। अब देखो कौन सा ऐसा है जिस पर कोई भी एरो नहीं आ रहा है, सिर्फ ये बचा हुआ है, ये वाला, तो यहाँ मैं नंबरिंग 2 की, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो जहाँ भी एरो आ रहा है, तो इसे से निकलने वाले सारे एरो डिलीट, तो ये था नंबरिंग 3 कर सकता हूँ मैं। उसके बाद देखो यहाँ कोई एरो नहीं आ रहा, तो नंबरिंग 4 कर सकता हूँ, यहाँ कोई एरो नहीं है, नंबरिंग 5 कर सकता हूँ। 3 से निकलने वाले एरो डिलीट किए मैंने, तो यहाँ नंबर 6 कर सकता हूँ, यहाँ नंबर 7 कर सकता हूँ। मीन्स निकलने वाले सभी एरो को अगर हम डिलीट करते हुए जाएं, जो नॉड मुझे ऐसा मिलेगा जिस पर कोई इनकमिंग एरो ना हो, तो वहाँ पे नंबरिंग कर दूंगा, और नंबरिंग उसी सीक्वेंस में चलती रहेगी। मींस इनकमिंग एरो नहीं दिखना चाहिए, तो ये फलकर्सन रूल होता है नंबरिंग करने के लिए। टाइम एनालिसिस, अब टाइम एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस टाइम एनालिसिस पर ही न्यूमेरिकल होते हैं, कैसे कैसे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी थ्योरी।